So friends, how are you? So good morning to all. तो आज हम लोग जो भी हमारा discussions में part रह गया था, यानी अब तक हम लोगों ने colligative properties के तीन point को खत्म किए हैं. पहला point था relative decrease in the vapor pressure. Next one था हमारा boiling point elevation in boiling point. फिर हम लोगों ने देखा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. आज हम लोग देखेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. सो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी भी है, बायोलॉजी के साथ कनेक्टेड भी है और इसको हम लोग रूटीन में यूज भी करते हैं. जो हमारे घर पे आरओ वाटर सिस्टम है वो भी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पे काम करता है. तो बिफोर सच नोइंग बिफोर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर थियोरेटिकल पार्ट, वी विल डिस्कस दिस सर्टेन पार्ट दैट वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर डेली लाइफ. सो ये वाला जो पॉइंट है वो अच्छा भी है, ट्रिकी भी है और थ्योरेटिकल सेगमेंट्स में भी है. इसमें से एक जो क्वेश्चंस हर बार आता है वो है उसका कैलकुलेशंस पार्ट. वो कोई भी एग्जाम्स में, यानी वो गुजकेट में भी आ सकता है, नीट और जेडब्ल्यू में भी आ सकता है. ये करंट ट्रेंडिंग पॉइंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लें. तो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस एंड द ऑस्मोसिस पार्ट. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द osmosis and osmotic pressure and the related examples, that is 2.11. So before just going to that particular things, might be you had studied this diagram that we can call it as a Thistle funnel experiments, which is widely known for its osmotic conditions and the osmotic experiments. So isme hum logo ne kya kiya tha, hum logo ne ek Thistle funnel le li thi. उसको हम लोगों ने एक जो वेसल्स था, जो वेसल्स के अंदर हम लोगों ने सॉल्वेंट भरा हुआ था, वो सॉल्वेंट के साथ हम लोगों ने उसको भरा हुआ है और उसके अंदर हमने वर्टिकल कंडीशंस में थिसल फनेल को हमने रख दिया. थिसल फनेल में हम लोगों ने एक हाइट तक एक सॉल्यूशंस को फिल किया हुआ है, जो सॉल्यूशंस को हम यहाँ तक हम लोगों ने फिल किया है. जैसे हम उसको वर्टिकल करके सॉल्वेंट के अंदर हम लोग डालते हैं तो उसकी जो हाइट है वो हाइट हमको इंक्रीज हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है. तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज द हाइट इज नथिंग बट द पाई इज इक्वल टू एच इनटू पी इनटू जी. दैट इज द पाई, दैट इज द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ सॉल्यूशन इनटू द डेंसिटी एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर थिंग्स. सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एचपीजी वाला कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों ने प्रीवियस स्टडीज में किया हुआ. सो नाउ लेट्स बिगिन व्हाट इज गिवन इन आवर बुक. So first of all, in our book that is given, there are many phenomena which are or which we observe in nature or at our home. So for example, we observed that the raw mangoes shrivels when pickled in a brine solutions or in salt water. Ya fir hum logon ne dekha hoga ki wilted flowers revive when they are placed in a fresh water. Or we had also observed that the blood cells, corpuscles, or that blood cells, RBCs, get collapsed when they are suspended in a saline water. So these three examples we come to know in our daily observations when we are observing the pickle, that is raw mango, which is shrivels. Also, we found that the wilted flowers get revived when they are placed in a fresh water. Also, the blood cells get collapsed when suspended in a saline. So we observed the three particular things over here. That is, first of all, that is the shrivel of shriveling of a raw water, reviving of a wilted flowers, and the collapsing of a that particular RBCs. That these process will lead us the one common thing, that is the substance are bounded with the membranes. हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये सभी के पास मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन की वजह से ये तीन या ऐसी फिनोमिनन हमें ऑब्जर्व हो रही है. तो अभी दिस मेम्ब्रेन कैन बी ऑफ एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन्स व्हिच आर नेचुरली अकरिंग और दे अकर नेचुरली सच एज द पीक्स ब्लेडर और द पार्चमेंट पेपर्स और कैन बी अ सिंथेटिक दैट इज द सेलोफेन पेपर्स. सो this membrane appear to be a continuous sheet or a film like, and
yet they contain a network of a submicroscopic holes or a pores, which are permissible to the certain part and not permissible to the another part. So the small solvent molecules like the water can pass through these holes, but the passage of a bigger molecules like the solute is hindered. So the membrane having this kind of properties are termed as the semi-permeable membrane. So यहाँ पे हम लोगों को focus करने वाली दो तीन चीज है जो हम यहाँ पे mind में set करके रखेंगे. First of all, जो हम लोग membrane बोल रहे थे, यानी shriveling, reviving और collapsing जो phenomenon है, वो सब phenomenon वो membrane के जो substance है उसकी membrane पे depend होंगे. ये membrane कौन से भी सोर्स से मिल सकता है, यानी ये एनिमल सोर्स हो सकता है, वेजिटेबल सोर्स हो सकता है, या फिर हम उसको सिंथेटिक सोर्स भी बोल सकते हैं, या फिर सेमी सिंथेटिक, दैट इज दी पार्चमेंट पेपर हम बोल सकते हैं. मेम्ब्रेन हमें अपीयरेंस में कैसी होगी, तो वो सीट लाइक होगी या फिल्म लाइक होगी. उसके अंदर कंटिन्यूसली या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेटवर्क लाइक सब माइक्रोस्कोपिक होल्स या पोर्स होंगे, यानी इसमें सब माइक्रोस्कोपिक यानी थोड़े थोड़े छोटे छोटे से उसमें होल होंगे. ये जो होल्स है उसमें से स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास, बट द बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक द सॉल्यूट दैट इज गेट हिंडर्ड. यानी हम इसको बोल सकते हैं कि वो सॉल्वेंट को पास करने देगा लेकिन सॉल्वेंट को वो पास नहीं करेगा. So such type of the membranes are termed as the semi-permeable membrane, that is also known as the SPM. तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, तो जो semi-permeable membrane है वो सिर्फ solvent को जाने देगा, solutions के अंदर जो solute है उसको नहीं जाने देगा. यानी वो एक तरह से selective है, selectively वो किसी को pass करने देता है या selectively वो किसी को यहाँ पे stop कर देता है. तो ये वाले concepts में हम लोगों ने ये देखा कि solvent के जो molecule है वो smaller है, वो इजीली पास हो जाएंगे, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बिगर है या फिर थोड़े बिगर है वो हिंडर्ड हो जाएंगे, यानी वो सॉल्यूशंस में पास ऑन नहीं हो पाएंगे. यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज ये फिगर में हमारे पास ये जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कहाँ पे मूव करेगा, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशंस के अंदर मूव करेगा, ऐसे वो मूव करेगा, लेकिन सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशंस नहीं आने वाला. तो ये वाली चीज हमें माइंड में सेट करके रखनी है. तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था वो हमें इजीली पता चल गया कि हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो ऑस्मोसिस की घटना के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जरूरी है. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम किसको बोलेंगे कि जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स है, जिसके पास कंटिन्यूस सीट लाइक या फिल्म लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो भी होल्स है वो सॉल्वेंट को पास होने देगा लेकिन सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अभी हमें क्या एज्यूम करना है, एज्यूम दैट ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इफ दिस मेम्ब्रेन इज प्लेस बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर. द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज This process of a flow of a solvent is called as the osmosis. So first of all, हमने figure में क्या किया था, figure में हमने thistle funnel जिसके अंदर solutions भरा हुआ था उसको एक vessels के जिसके अंदर pure solvent भरा हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने inwardly उसको place कर दिया. तो हम लोगों ने क्या observe किया, जो solvent है वो solvent इस तरह से solutions के अंदर place हो जाएगा, यानी वो transfer हो जाएगा. ये जो process है, ये जो flow है, वो फ्लो को हम क्या बोलेंगे, इस फ्लो को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस. यानी ऑस्मोसिस ऐसी घटना है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वी नीड टू कीप इन माइंड ऑन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशंस, कीप इन माइंड. सो व्हाटएवर द फ्लो ऑफ अ सॉल्वेंट वी ऑब्जर्व, दैट इज द ऑस्मोसिस. नाउ द नेक्स्ट वन, द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेंड. So the flow of the solvent from its side to the solution side across the semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solutions. So यहाँ पे जो osmosis की जो घटना है वो हमें कहाँ तक मिलेगी, तो equilibrium जब attain करेगा तब तक हमें ये मिलने वाली है. So equilibrium किसके बीच में attain होगा, तो equilibrium attain होगा
जो हमारे पास थिसल फनेल के अंदर जो सॉल्यूशंस भरा है वो और जो वेसल्स के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके प्रेशर में जब इक्विलिब्रियम आएगा तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगी. सो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड. तो ये जो घटना है ये घटना हमें स्टॉप करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे इस तरह से प्रेशर को डालना पड़ेगा. ये प्रेशर की जो डायरेक्शंस है हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो प्रेशर्स की जो डायरेक्शंस है वो इस साइड पे आनी चाहिए, यानी ऑपोजिट चार्ज पे हम लोग जब उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो प्रोसेस को हम लोग स्टॉप कर पाएंगे. यानी सॉल्वेंट एक तरह से अंदर जा रहा है और ऊपर से हम लोग प्रेशर को ऐसे डाल रहे हैं तो हमें नलीफाई इफेक्ट मिलेगी और वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आके हमें क्या हो जाएगा, वहां पे ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी. दिस प्रोसेस और दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमें ये चीज को फोकस करना है, द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट is termed as the osmotic pressure of that particular solution. So the flow of solvent from the dilute solutions to the concentrated solutions across the membrane is due to the osmosis. हमें यहाँ पे क्या चीज concentrate करनी है, हमें यहाँ पे दिया गया है flow of solvent कहाँ से, from dilute solution to the concentrated solution across the semi-permeable membrane is due to the osmosis. तो यहाँ पे मेरे पास dilute solutions का concepts दिया गया है. Dilute solutions हम किसको बोलेंगे, तो dilute solutions को हम लोग इस तरह से define करेंगे, वो जो solutions के जिसके अंदर solvent ज्यादा है और solute कम है उसको हम लोग बोलेंगे dilute solution. Concentrated किसको बोलेंगे, तो जिसके अंदर solvent कम है और solute ज्यादा है इसको हम लोग बोलेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास क्या चीज बनी, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली चीज बनी कि मेरे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक साइड पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास है. तो ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम मुझे कैसे मिलेगी, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से मेरे पास जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो कैसे मूव करेगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की ओर मूव करेगा. यानी डाइल्यूट के अंदर मेरे पास क्या ज्यादा है, डाइल्यूट के अंदर मेरे पास यहां पे सॉल्वेंट इज हाई, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास है. तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट ज्यादा है, यानी सॉल्वेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो कॉन्सेंट्रेटेड, यानी जहां पे सॉल्वेंट कम है वहां पे वो मूव करेगा. तो ये वाला सेगमेंट्स हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है. सो इट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड दैट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पे मैंने ये चीज को फोकस करके रखी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स always flow from lower concentration to the higher concentration of solution. यहाँ पे मैं ये वाला point अच्छे से याद कर लूंगा. यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, solutions के लिए बोला गया है. जब भी concentration बोलते हैं, solutions का concentration बोलते हैं, वो solute के basis पे depend होगा. यानी जहाँ पे solute का concentration ज्यादा है वो चीज वहां पे solvent कम रहेगी. यानी सॉल्यूशंस ऐसा पसंद करना पड़ेगा जिसके अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है. यानी जो सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है उसमें ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट ज्यादा है, इसीलिए वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा. तो ये चीज हमें यहाँ पे फोकस करके रखनी है. यानी यहाँ पे हम लोग सपोज ये वाला फोकस करना चाहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे ये चीज फोकस करनी है. कौन सी चीज फोकस करनी है, तो कि जब हम ऑस्मोसिस के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो फर्स्ट हमें ये माइंड में रखना है कि जब हम सॉल्वेंट लेते हैं
तो सॉल्वेंट के लिए हमें हाई टू लो का कॉन्सेप्ट याद रखना है, या फिर हम सॉल्यूशंस के लिए हम बोल रहे हैं तो सॉल्यूशंस वाले केस में हमें क्या याद रखना है, लो टू हाई मोमेंटम हमें याद रखना है। तो ये दो चीज हमें यहाँ पे फोकस करके रखनी है और ये वाला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में सेट करके रखना है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट दिया गया है। हम लोग फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो कंटेनर है वो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो कंटेनर है वो सॉल्वेंट है, यानी हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो मोमेंटम कैसा रहेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में यहाँ से यहाँ का मोमेंटम हमें रहने वाला, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशंस की ओर बढ़ने वाला है। अभी मुझे ये जो ऑस्मोसिस है वो ऑस्मोसिस को मुझे कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के ऊपर मुझे प्रेशर डालना पड़ेगा। कितना प्रेशर डालूंगा, तो ये पाई जितना, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जितना मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, यानी वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या देगा, इक्विलिब्रियम शो करेगा, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, उतना मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर डालना पड़ेगा। सो द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज टर्म्ड एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दिखाई दिया। सो द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, दैट इज टू स्टॉप the passage of a solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution is termed as the osmotic pressure. तो जो figure में हम लोगों ने देखा उस हिसाब से osmotic pressure is a colligative property which depends on the number of a solute molecules and not on the their identity. For example, for the dilute solutions, it has been found that the experimentally osmotic pressure is proportional to the molality. Or the concentration of a solution at a given temperature, and that is why we can say that it is pi is equal to CRT. So यहाँ पे हमें कौन सी चीज focus करके रखनी है, तो यहाँ पे ये चीज osmotic pressure जो है वो हमारा colligative property है, यानी osmosis एक phenomenon है लेकिन osmotic pressure जो है वो colligative property, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी, दैट इज द नेचर, वो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। और एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने क्या प्रूव किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलारिटी। माइंड में रखो, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें रिलेटिव प्रेशर जो डिक्रीज हो रहा है वो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो मोलालिटी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वो मोलारिटी कैपिटल एम पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये टेम्परेचर से अफेक्ट भी होगा और ये यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो वॉल्यूम में आएगा। अब तक हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था वो किलोग्राम या ग्राम में था, अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो लीटर या ml में आने वाला है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज टी, so we have a formula that is pi is equal to CRT. तो pi is equal to जो CRT हमें दिया गया है, अभी C यानी concentration. Concentration हम किसको बोलेंगे, तो concentration को बोलने के लिए हमारे पास ये वाला concept है। Concentration हम किसको बोलेंगे, तो concentrations के लिए हमारे पास ये वाली formula है, mole per volume in liter, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास। सो हम लोग क्या करेंगे, C की जगह पे N2 by V रख देंगे और RT से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अभी मोल के लिए मेरे पास अभी सपोज मैं ये मोल के लिए भी कुछ इक्वेशन डिराइव करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, तो मेरे पास आएगा मोल दैट इज इक्वल टू मास divide by molar mass, that is equal to small w by capital M. ये वाला concept. Okay, तो यहाँ पे pi जो है वो osmotic pressure है और R that is the gas constant.
ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो हमें यहाँ पे कौन सी चीज फोकस करके रखनी है, तो यहाँ पे हमें जो चीज फोकस करके रखनी है वो फर्स्ट वन दिस ये फॉर्मूला है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और दूसरा ही जो फॉर्मूला है वो हमें ये वाली याद रख के चलना है, एन टू आर टी बाई वी वाला कॉन्सेप्ट, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो हम लोगों ने ये देखा कि पाई इज इक्वल टू एन टू बी बाई आर टी वाली फॉर्मूला है, उसमें वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दिया गया है, एन टू जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, अभी हमारे पास एन टू के लिए मास बाई मोलर मास यानी डब्ल्यू टू बाई एम टू है, जहाँ पे डब्ल्यू टू ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट होगा और एम टू हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग कैसे लिख पाएंगे, पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी बाई एम वी, सो पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई एम लिखेंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्मूला आएगी, एम टू इज इक्वल टू ये जो पाई है वो पाई वी जो है वो नीचे चला जाएगा, तो डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास मिलने वाला है। तो अब लोग अब हम इसके लिए दूसरी एक जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग डिस्कस कर पाएंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इक्वल टू W R T by M into V, ऐसा करेंगे तो हम लोग उसके लिए क्या प्रूव कर पाएंगे, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे W by V ब्रैकेट क्लोज into R T बाई कैपिटल, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, हमें पता है W बाई वी दैट इज दी डेंसिटी इंटू आर टी डिवाइड बाई कैपिटल, ये वाली फॉर्मूला भी हमारे पास बनेगा, डेंसिटी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई एम, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास मिलने वाला। सो ये एक फॉर्मूला जो है वो भी हमें माइंड में सेट करके रखनी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नोइंग दैट द क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यू टू दैट इज सॉल्यूट मास टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द वॉल्यूम वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विच इज गिवन अननोन। तो ये एक फॉर्मूला और ये डी आर टी बाई एम वाला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में सेट करके चलना है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर की हमने एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, हम लोग उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड्स द अनदर मेथड ऑफ अ डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ अ प्रोटीन्स पॉलीमर्स और अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स। यानी क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मोलर मास आपको मैक्रोमोलेक्यूल्स का या फिर पॉलीमर या फिर प्रोटीनियस पार्ट या विटामिन पार्ट का आपको फाइंड आउट करना है, तो बेस्ट मेथड कौन सी है। हम लोगों ने तीन आगे मेथड देखी थी, रिलेटिव डिक्रीज इन द प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार मेथड में से सबसे बढ़िया कौन सी है, सबसे सिलेक्टिव कौन सी है, तो ये हमारे पास आएगी ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। So the osmotic pressure method has the advantage over the method as the pressure measurement is around the room temperature and the molarity of a solution is used instead of upper molality. तो हम लोग ये वाली formula क्यों use कर रहे हैं, तो advantage क्या है, तो first advantage ये है कि हम लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं वो room temperature के आसपास काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें molarity दी गई है, molarity of a solution दी गई है instead of molarity. तो ये जो दो चीज है, रूम टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट और मोलारिटी, ये उसको एडवांटेजेस बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, एज कंपेयर टू द अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट्स मैग्नीट्यूड इन अ लार्ज व्हिच इज लार्ज इवन फॉर अ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे मोलारिटी ले रहे हैं, तो यहाँ पे डाइल्यूशंस भी बढ़ाएंगे तो भी हमें यहाँ पे एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी। सो द टेक्निक ऑफ अ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशंस ऑफ अ ऑस्मोटिक
or the molar mass of a solute is particularly useful for the biomolecules, as they are generally not stable at the higher temperature and the polymer have a poor solubility. तो दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज है वो हम लोग क्या बोल पाएंगे, तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स विच आर नॉट स्टेबल एट द हायर टेम्परेचर, उसको उसके मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करने के लिए, या फिर पॉलीमर्स जैसे लो सॉल्युबिलिटी जो शो कर रहे हैं उसके ऊपर भी ये इफेक्टिवली यूज होगा, यानी ये हमारा एडवांटेज होगा। नेक्स्ट हमारे पास, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सी चीज देखी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाली जो फॉर्मूला है वो वाइडली कहाँ पे यूज हो रही है, जब डाइल्यूशंस बढ़ा देते हैं, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं जो टेम्परेचर से सेंसिटिव है, या फिर जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है, वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो आगे वाले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, the two solutions having the same osmotic pressure at a given temperature are called as the isotonic solution. तो यहाँ पे अब हम लोग differentiations करेंगे तीन चीजों का। हम लोग यहाँ पे देखेंगे solution की जो classification है, तो ये जो classifications है उसमें हम लोग देखेंगे isotonic, दूसरा देखेंगे हम हाइपोटोनिक, और तीसरा देखेंगे हाइपरटोनिक। इस सब का हम लोग जब मतलब निकालेंगे तो आइसो का मतलब रहेगा जिसके पास सेम कॉन्सेंट्रेशन है, सेम कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, या फिर इसके लिए हम लोग जब बात करेंगे हाइपोटोनिक के लिए, इसके इसका मतलब है जिसके पास लेस कॉन्सेंट्रेशन है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिक जिसके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग माइंड में सेट करके रखेंगे। तो अब हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की जो बात कर रहे थे उसके अंदर, व्हेन सच अ सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, no osmosis occurs between them. यानी isotonic solutions में osmosis नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों साइड पे concentration difference same है। यहाँ पे concentration difference नहीं रहेगा, इसलिए वो osmosis show नहीं करेगा। For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cell is equal or equivalent to the 0.9% W/V sodium chloride solutions, which are termed as the normal saline, which is safer to inject intravenously. So, ये isotonic का example. On the other hand, if we place the cells in a solutions containing more than 0.9% W/V concentration of a sodium chloride, the water will flow out of the cell and they would shrink down, and such solution is termed as the hypertonic. तो यहाँ पे हम लोगों को difference देखना चाहिए। Isotonic के लिए हमारे पास difference में क्या था? तो solutions जो था उसके अंदर हमारे पास osmotic pressure same होगा, तो हम उसको बोलेंगे isotonic, और इसमें osmosis observed नहीं होगी। उसका example हम लोगों ने देखा था RBC या फिर ब्लड सेल जो है उसका सॉल्यूशन और 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल सलाइन और इट इज सेफर। अब हमारे पास जिसका कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.9% दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे, और वो क्या करेगा? श्रिंकिंग इफेक्ट हमको शो करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन हायर है तो हाइपरटोनिक बना, अभी कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% होगी तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपोटोनिक, और इन दिस केस वाटर विल माइग्रेटेड इनटू द सेल इफ वी प्लेस द सॉल्यूशंस एंड दे वुड स्वेल अप द सेल। तो यहाँ पे हम लोगों को ये तीन चार चीज को फोकस करना है। सपोज हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे ऑस्मोसिस शो नहीं करेगा, नो ऑस्मोसिस इज ऑब्जर्व्ड। अभी हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस है तो वो क्या करेगा? श्रिंकिंग इफेक्ट करेगा, श्रिंक डाउन करेगा। कैसे श्रिंक डाउन करेगा? तो वाटर जो है वो फ्लो आउट हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट।
अभी हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक इसको बोलेंगे जिसके पास कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से कम है। इस केस में क्या होगा, वॉटर विल फ्लो इन टू दी सेल मेम्ब्रेन और वो क्या करेगा, स्वेलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें माइंड में सेट रखना है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फिनोमिनन विच आर मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ दी सेक्शंस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑस्मोसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या आगे डिस्कस किया गया था, तो हमें ये वाला डिस्कशन मिला था तो कि जो रो मैंगो है वो क्या करेगा, तो पिकल के अंदर उसका स्रिविल हो जाएगा। सो रो मैंगो प्लेस्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर और सॉल्ट सॉल्यूशंस लूजेस द वाटर वाया द ऑस्मोसिस एंड गेट्स स्रिविल इनटू द पिकल। विल्टेड फ्लावर गेट रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर। अ कैरेट दैट हैज बिकम अ लिम्प बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस into the atmosphere can be placed into the water making it from form once again। So ये जो concepts हैं वो सभी में हम लोगों ने osmosis देखा था। पहले वाला जो केस था रो मैंगो उसको हम लोगों ने हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में रखा था, इसलिए मैंगो के अंदर का जो वाटर था वो फ्लो आउट हो जाता था, इसलिए वो श्रिंक हो जाता था। दूसरे केस में फ्लावर या कैरेट हम लोग ले लेते हैं तो फ्लावर के अंदर या फिर कैरेट के अंदर सॉल्यूशन ज्यादा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सॉल्यूट ज्यादा है, इसलिए हम लोग फ्रेश वाटर में जब रखेंगे तो वाटर जो बाहर ज्यादा है वो अंदर आएगा और उसको वो क्या करेगा, रिवाइव करेगा या फिर उसको फॉर्म करेगा या फिर उसको करेक्ट करेगा। सो वाटर विल मूव इन टू द सेल थ्रू द ऑस्मोसिस व्हेन प्लेस इन अ वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% सॉल्ट एंड द ब्लड सेल्स स्वेल ड्यू टू द फ्लो इन टू द वाटर बाय द ऑस्मोसिस प्रोसेस। So people who are talking, people taking a lot of salt or a salty food experience the water retention in their tissue cells and the intercellular space because of the osmosis, which resulting in the puffiness and the swelling is called the edema। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो लोगों को hypertension है उन लोगों को नमक कम खाना चाहिए, या फिर हम लोग ऐसा भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन की दिक्कत है वो लोगों का जो बॉडी पार्ट है उसमें स्वेलिंग जा रहा हो, तो उसका रीजन क्या है, तो सॉल्टीनेस ज्यादा होने की वजह से जो नॉर्मल जो सेल है या फिर हम लोग बोल सकते हैं टिश्यू जो है उसमें वाटर कहाँ जाता है, अंदर की ओर आ जाता है, इसलिए वो स्वेलअप हो जाता है। वो कंडीशन को हम लोग फार्माकोलॉजिकली एडिमा बोलते हैं या फिर हम स्वेलिंग बोलते हैं। सो वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू द अपर पोर्शंस ऑफ द प्लांट इज पार्टली ड्यू टू द ऑस्मोसिस। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वाटर ट्रीटमेंट का या फिर वाटर मैनेजमेंट इन अ प्लांट सिस्टम। तो उसमें हम लोगों को क्या बोला गया है, तो रूट जो है उसके अंदर सैप है। सैप क्या बोलते हैं, तो जिसके अंदर हमारे पास सॉल्ट ज्यादा है लेकिन वाटर कम है, तो वो क्या करेगा, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको यूटिलाइज करेगा, वो थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर जो वेजिटेबल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सिर्फ वाटर को अंदर जाने देगा, यानी जो अपना जो सेल है वहां पे सैप के हिसाब से या फिर सॉल्ट अंदर वो डिजोल्व होगा और उस हिसाब से वो जो चेन है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे चलता जाएगा। सो द प्रिजर्वेशन ऑफ ए मीट बाई द सॉल्टिंग and of the fruits by adding the sugar protects against the bacteria actions and through the process of the osmosis a bacterium on a salted meat or a candied fruit loses the water and shrivels and get dying। So hum logon ne example ke taur pe wo pickle wala le lete hain ya fir प्लांट के अंदर जो वाटर फ्लो या वाटर ट्रीटमेंट या फिर वाटर सप्लाई की जो चेन है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट में रखते हैं या फिर हम लोग फ्रूट के अंदर शुगर डालते हैं, वो सभी के एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस को कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस हो जाता है, इसलिए वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसको वो श्रिंक डाउन करेगा, कोलैप्स करेगा और उसको वो डाई करके वो प्रिजर्वेशन एक्शन देने वाला है। तो ये सब थोड़े बहुत एग्जांपल्स थे जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2.11 पढ़ेंगे। तो 2.11 में हम लोगों ने क्या देखा, तो एग्जांपल नंबर 2.11 में हमें दिया गया है
200 centimeter cube, yani 200 ml of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of protein. The osmotic pressure of a such solution at 300 Kelvin is found to be a 2.57 into 10 raised to minus 3 bar. So, हमें क्या करना है? Molar mass हमें find out करना है protein के लिए. तो first of all हमारे पास यहाँ पे protein दिया गया है, इसलिए हम लोग osmosis वाला concept में हम लोग यहाँ पे जाएंगे. तो यहाँ पे हमारे पास the various quantities which we have given. तो यहाँ पे osmotic pressure pi दिया गया है 2.57 into 10 10 raised to minus 3 bar. वॉल्यूम दिया गया है 200 ml, या फिर हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 0.200 लीटर. फिर टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, और R वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास है, यहाँ पे हम लोग लेंगे लीटर बार वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए R की वैल्यू हम लोग लेंगे 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स. तो हमारे पास कौन सी इक्वेशंस में फॉर्मूला पुट करेंगे, तो M2 is equal to W2 RT by pi V वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर. W2 क्या है हमारे पास? तो W2 हमारे पास 1.26 दिया गया है. So 1.26 into R की वैल्यू क्या है? 0.083. फिर टेम्परेचर दिया गया है 300. फिर पाई की वैल्यू हमारे पास 2.57 into 10 power minus 3 है, और ये लीटर में कन्वर्ट करना है, that is 200 ml, that is 0.200. So, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 61,022 ग्राम पर मोल हमारा आंसर आने वाला है. तो ये हमारा मोलर मास हो गया प्रोटीन के लिए. तो हमें यहाँ पे आइडिया भी है कि प्रोटीन का मोलर मास 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये जो आंसर है वो हमें करेक्टिवनेस दिखा रहा है. तो हम लोग सपोज इसकी जो फॉर्मूला है इसके अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है वो कैलकुलेटर पे हम लोग करेंगे. 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाय 2.57 डिवाइड बाय 0.200 और 10 पावर माइनस 3 वो ऊपर चला जाएगा, यानी मल्टीप्लाई विद 1000. So we'll get 61,038 ग्राम पर मोल. So correct near about answer आपका ये आने वाला है. तो हम लोगों ने यहाँ तक का concepts देखा, और हम लोगों ने देखा कि how to calculate the molar mass और osmosis का concepts क्या है. तो osmosis के लिए pi V is equal to nRT वाली formula, या pi is equal to CRT वाली formula, या फिर pi is equal to DRT by capital M वाली formula हमें यहाँ पे learn करके रखना है. hypotonic, isotonic और hypertonic solutions का differentiation देखना है, और उसकी applications हम लोगों ने देखी. तो यहाँ तक का जो हमारा concepts था वो हम लोगों ने देखा. next time हम लोग next topic से आगे बढ़ेंगे. मेरी सबसे रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिक क्वेश्चंस है, वो आप अपने हिसाब से सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा. थैंक यू.